हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माहिर कोचिंग बाय महेश खरखड़ा। नमस्कार दोस्तों, माहिर कोचिंग बाय महेश खरखड़ा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके घंटी बजाओ ताकि मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद आपको मोबाइल की भी घंटी बज जाए। आज अपन टेंस का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले, पास्ट टेंस का पहला सब टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का पहला सब टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। इस सिंपल पास्ट टेंस में कुछ नहीं किया जाता है, सिंपल पास्ट में सिर्फ और सिर्फ बातें की जाती है, सिर्फ और सिर्फ चुगली की जाती है, बाकी कुछ भी नहीं होता। इसमें एक्शन की कोई भी हलचल नहीं रहती, सिर्फ एक्शन बताई जाती है की नहीं जाती। इसके भी कुछ फार्मूले है, से सादा भूतकाल कहते हैं। सादा भूतकाल ये नॉर्मल, एकदम नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बातें की जाती है, चुगली की जाती है। सब फेकोलॉजी रहती है ना, अपनी फेकोलॉजी, सब फेकोलॉजी करना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो पता ही है, डूअर है, ठीक है। वर्ब टू बोले तो एक्शन की सेकंड फॉर्म है, जो कि सेकंड फॉर्म कौन सी है? सेकंड फॉर्म कुछ नहीं, ईडी भी लगता, ईएन भी लगता, एन भी लगता, डी भी लगता, लेकिन कुछ कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं कि जो कि पूरे के पूरे ही बदल जाते हैं। इसीलिए आपको बुक्स पढ़ना जरूरी है। बुक्स पढ़ते रहो, ये वर्ब एक्शन रहती है ना, एक्शन वर्ब 1 2 3 4 5 6 7, ये भी थोड़ा पढ़ा करो तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, इस प्रकार चार पांच टाइप के सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसमें पहला देखा जाए तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया। इस भूतकाल में क्या होता है, इस भूतकाल में अपने वो काम अपना हो गया, वो अपना काम हो गया है, वो एक्शन पूरी हो गई है, वो एक्शन खत्म हो गई है, तब उसे पास्ट टेंस कहते। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया। अब देखो ना, मैं गया, वहां पे पहुंच भी गया होगा, नहीं तो नहीं पहुंचा, लेकिन मैं तो घर से निकला, मैं तो गया, तो मेरी जाने की एक्शन तो खत्म हो गई, मैं गया नहीं गया। लेकिन कब गया, कभी भी जाओ, लेकिन वो पास्ट टेंस हो गया, क्योंकि वो गया था, उसकी एक्शन खत्म हो गई, वो गया है, तो ये पास्ट टेंस हुआ। पास्ट टेंस बोले तो कल का दिन, इसके पहले का साल, महीना, या फिर 5-10 मिनट भी हो जाए तो भी पास्ट टेंस हो जाता है। तो देखा जाए तो क्या है ना, मैं गया। इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई। वर्ब टू बोले तो एक्शन। एक्शन क्या है, जाने की एक्शन है, उसकी एक्शन कौन सी है, चलने की है ना, जाने की है, उसकी एक्शन है ना, तो जाने को आप तो गो बोलते हैं, लेकिन ये गो फर्स्ट फॉर्म है। गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अपन को गो मतलब जाने की एक्शन की सेकंड फॉर्म चाहिए, वो होता है वेंट। आई वेंट, मैं गया। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। इसमें क्यों सेकंड फर्स्ट फॉर्म लगी, इसमें तो सेकंड फॉर्म लगी, लेकिन इसमें फर्स्ट फॉर्म। देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो डूअर है, पता ही है, लेकिन ये डिड हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाया गया, क्योंकि नॉट आया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी है, क्योंकि नॉट अकेला कभी नहीं आता, नॉट ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही आता है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही आता है, इसीलिए नॉट के लिए डिड लगाना पड़ा। उसके बाद वर्ब वन क्यों लगाया, क्योंकि जब डू डज डिड का यूज किया जाता है, डू डज डिड का हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब जब आते हैं, क्योंकि या तो फिर यूज किया जाता है, तब वर्ब वन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें डिड खुद बता रहा कि ये पास्ट टेंस की बात है, ये डिड ही बता रहा, इसलिए एक्शन में कुछ बदलाव करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसमें वर्ब वन यूज किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बोले तो पता ही, अदर वर्ड जो भी कुछ होगा वो, आई डिड नॉट गो मतलब मैं नहीं गया, तो गो तो जाना होता है, लेकिन ये डिड है ना, ये डिड बता रहा कि ये बात पास्ट टेंस की है, ऐसे डिड बता रहा,
इसलिए एक्शन में कुछ कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं। इसमें ये वेंट बता रहा कि बात पास्ट टेंस की है, इसमें वेंट बता रहा। अब क्वेश्चन क्या, मैं गया, क्या मैं गया, डिड आई गो, क्या मैं गया, इसमें भी वर्ब वन लगा, क्यों लगा, क्योंकि इसमें भी तो डिड है, इसलिए वेन वेन डिड आई गो, मैं कब गया, मैं कब गया, मैं कब गया, इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। और कौन सा सेंटेंस लू, मैंने खाना खाया, मैंने सक्षम ने क्या किया, सक्षम ने पत्र लिखा, सक्षम ने पत्र लिखा, सक्षम सब्जेक्ट वर्ब टू एक्शन कौन सी, इसमें लिखने के रोट, इसमें क्यों रोट, राइट रोट रिटर्न रीडिंग रीड्स टू रीड, इस तरह से सिक्स वर्ब है, सिक्स एक्शन है। सक्षम रोट्स, यस लगेगा, सक्षम रोट्स ए लेटर, सक्षम रोट ए लेटर, सक्षम रोट ए लेटर, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब टू और ये हुआ ऑब्जेक्ट, फॉर्मूले में तो वाइट ही रहा, बैठ रहा ना, इसमें निगेटिव करना है। सक्षम ने पत्र नहीं लिखा, सक्षम ने पत्र नहीं लिखा, नहीं लिखा, एक कैसा किया जाएगा, सब्जेक्ट बोला तो सक्षम, डिड नॉट वर्ब वन मतलब राइट, ऑब्जेक्ट ए लेटर, बात खत्म। अपन को मैं ये फार्मूले जो दे रहा ना, ये फार्मूले को देख के सेंटेंस ट्रांसलेट किया करो, क्योंकि अपन को इस हिंदी में हिंदी के सेंटेंस से कुछ लेना देना नहीं, ये जो बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग अपन को ये सेंटेंस लिखना है। इसमें ये हिंदी में, इसमें मराठी हिंदी में ढूंढ लेना कि ये किधर है, कौन सा शब्द किधर है, वहां से उठा के इसमें बैठाना है, ठीक है। क्या सक्षम ने पत्र लिखा, डिड सक्षम, डिड सक्षम राइट ए लेटर, डिड सक्षम राइट ए लेटर, क्या सक्षम ने पत्र लिखा, 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 क्या एक क्वेश्चन हो गया। सक्षम ने कब किया था, सक्षम ने कहा पत्र लिखा, या सक्षम ने कैसा पत्र लिखा, हाउ डिड सक्षम राइट ए लेटर, हाउ डिड सक्षम राइट ए लेटर, सक्षम ने पत्र कैसे लिखा, इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, ये दोनों इंटरोगेटिव है, ये दोनों इंटरोगेटिव है, और इस इंटरोगेटिव का नेगेटिव भी किया जाता है। देखो ये पॉजिटिव इंटरोगेटिव, इतनी नेगेटिव देखो अब जगह नहीं है, मैं इसमें भी करके दिखाता, मैंने बताया था, क्या बताया था, कल की वीडियो में बताया, इसके पहले के टेंस में भी बताया कि जिसकी जगह वही लेता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव में अपना। देखो नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव का ये जो फार्मूला है ना, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, ये डिड इधर आएगा, सब्जेक्ट इधर जाएगा, बाकी की जगह जो है वही सब्जेक्ट, नेगेटिव करने के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, डिड सक्षम नॉट, डिड सक्षम नॉट मतलब डिड सब्जेक्ट के बाद इधर नॉट आएगा, इधर नॉट आएगा मतलब डिड सब्जेक्ट सब्जेक्ट नॉट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। इसमें वैसा सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, बात खत्म है, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है, इसी तरह से हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो प्लीज और शेयर करो, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वो घंटी बजा दो, ताकि मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद आपके मोबाइल की भी घंटी
बच जाए और आपको आपको होश आ जाए कि नहीं वीडियो देखना है अपन को, अपलोड हो गया है, इसीलिए वो घंटी बज जाती मोबाइल की। इसलिए आपको सबसे पहले आपको घंटी बजानी है यूट्यूब की बेल आइकन को प्रेस करके, तब मेरे वीडियो अपलोड होने के बाद घंटी बजती है। ठीक है, नमस्कार।